तो अब मैं उठ गई हूँ सुबह में, और आज तो मैं रात भर नहीं सोई हूँ क्योंकि गरीब दर्द गाड़ी रहती है तो उसमें नींद आती नहीं है, तो मैं रात भर पूरा सोई हूँ आज। इसके लिए मेरा सर्वर इतना दुख रहा है कि पूछो मत, ऐसी जैसे हाइपर हो गई है। और अभी मैं उठी हूँ, कितने बजे मैं उठी, 8 बजे मेरा बेड पे से उठी हूँ, और मुझे भी बेचारी 7:45 आ गई अच्छी मेरी। और अभी देखो हमारा खाना सब बन रहा है, अब खाने में क्या क्या आप उसको बताती हूँ। देखो अभी आई हूँ, अस्सलाम वालेकुम। खाने में क्या क्या पक रही राइस, पराठे बन रहे, हाँ उसका अचार बन रहा है, लेमन राइस बन रहा है, और ग्रीन चिकन, ग्रीन गोश, ग्रीन मटन, मटन ग्रीन मटन बन रहा है। और मेरी फटाफट तैयारी चालू है फिर जाने की, अभी मैं नहाने के लिए जाऊंगी। और बहुत लोग को हाइपर ऐसी जैसी हो चुकी है ना कि बता नहीं सकती हूँ। हॉल में आई हूँ और अभी मैं अभी लूडी पका रही थी, तो वो पता ही आप लोग को। अभी देखो समीर उठ गए, 9 बज गया, समीर मेरे लिए आज संजय लोग बेचारे जल्दी उठे तो फिर मुझे छोड़ने जाते हैं, इसीलिए जाते थे तो नॉर्मल भी काम से भी जाएंगे तो और संजय तो वही मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। समीर चाय पी से भी सलाम दुआ तो करो। जोर का बोलने की, हाथ चलने की, मुंह चलाने की है ना समीर, और क्या गुस्सा होने की, सब आदतें मेरे अंदर ही है। हाँ ये मेरे को दी है पूरी, और ये ना मूर्ति कैसा बैठी मूर्त वैसे बन गई है ना, आवाज ही नहीं करती, एक ही बार आवाज करती है, फिर डेंजर करते कि अपना घर मिल जाता है उनकी आवाज से, ऐसा नहीं बचता मेरा आदमी रोज रोज रोज, जब बचता तो सबके हवा टाइट हो जाती है, कोई रूम में से जो रूम में रहेगा रूम में घुस जाएगा, जो किचन में रहेगा वो किचन में रहेगा, और मैं जा रहा हूँ बाहर सब एक फिर उसके हवा टाइट रहेगी रहा कि पूछो मत सभी की आवाज़ एक ही बार नहीं करती है आपको बाहर से। फिर पहला गुस्सा किसके ऊपर जाएगा, ड्राइवर के ऊपर, फिर उसके बाद में थोड़ा आजाब पे जाएगा, आयान भी तो नहीं आता गुस्सा, कितना भी गुस्सा होता आयान भी नहीं आता, फिर परी देगी थोड़ा परी पे आएगा, फिर उसके बाद में फिर उसके बाद में मेरे ऊपर बम फूटेगा, फिर थोड़ा इनका फूटेगा, फिर ज़्यादा मेरा फूटेगा, फिर इनका उसके ऊपर फूटेगा, फिर बाप रे बाप, फिर समीर का देखने का था, समीर का बीपी कैसा चढ़ता है करके, समीर ऐसा है ना, मुझे ऐसा नहीं बोलते ना, जब बोलेगे तो सबके बोलती हाँ, देखो नूरी बोलती 100 सुनार की 1 लोहार की, इसके लिए हम लोग की समीर की गुस्से आने में ना बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो अभी मैं नहाने जा रही हूँ, नहाने के बाद बताऊँगी मैं क्या कर रही हूँ, अपनी अपडेट देते रहूँगी, आप लोग लाइक करो, फॉलो करो और लाइक का बटन। अभी हम मेरे को नाश्ता कर रही थी, नाश्ता हो गया तो हाँ, तो यूट्यूब अभी मुझे याद आता है बाद में चालू करने के लिए ब्लॉग, तो बाप रे बाप, नाश्ता करने के बाद ही मेरे को याद आता है। अभी देखो नाश्ता पूरा खलास हो गया, उसके बाद नाश्ता तो करे जा रहा ना, इतना मॉर्निंग में नाश्ता होता नहीं है, मगर टैबलेट खाने का रहता है तो थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा ना। अभी माशाल्लाह से नाश्ता भी हो गया और मुझे पूरा टिफिन विफिन बांध के हो गया, ये देखो चाय का थर्मास इधर है। समीर मेरे लिए कल इतनी मतलब मेहमान लोग का मेहमानदारी लगी थी तो फिर कुछ पैकिंग भी नहीं बराबर से हो सकी, और मैं ऐसा हमेशा खाने का लेके जाती हूँ लक्की में, तो कुछ भी अभी समीर लाने के लिए गए ले लक्की में, और मैं अभी फटाफट टैबलेट खाती हूँ और फटाफट मैं फिर तैयार होती हूँ, क्योंकि लेट हो रहा है क्योंकि ये गाड़ी 12:15 10 12:10 पे छूट जाती है, तो मैं 9:10 पे इधर ही बच चुकी है, थोड़ा मैं पानी पी लेती हूँ। और आज मेरा पैरेट थोड़ा नाराज़ है क्योंकि मैं जा रही हूँ, तो मेरा पापा नाम है उसका हमारे, तो पापा थोड़ा नाराज़ है, तो पापा समीर के हाथ से भी रोटी नहीं खा रहे थे, और समीर के लिए देखो ये मैंने जो चैन लाई थी अजमेर से, तो इसकी अंदर ताबीज़ डालते हैं, और इधर ना ढक्कन था ऐसा, ये ढक्कन निकल चुका है,
तो मैं ये वापस लेके जा रही हूँ, थोड़ा वो नीचे बोलूँगी तो चेंज करके अब नया ढक्कन, इसमें ढक्कन ना लूँगी क्या बोलूँगा इसको, ढक्कन ही है ना ये ढक्कन लगा के दे दो करके। तो सो मैं अभी इतना टाइम नहीं है बात करने के लिए, मैं तैयार होते होते आप लोग से बात करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। समीर आएंगे तो नीचे मुझे कॉल करेंगे तो मुझे जाना है। समीर तुझे जेली और मस्का दाल देना और छूरी डाली ना, पतली वाली डाली ना, नई वाली डाली मतलब पतली, एक अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर मैंने एक निकाल दी बीच हुआ वो पैर का, हाँ, और आया ने उसको फैला के बड़ा भी कर दिया। तो चलो मैं जा रही हूँ तैयार होने, आप लोग भी आइए। और मैं बैठूँ तो बहुत ज़्यादा गंदा है अभी आगे टाइम, तो प्लीज हमें गलत मत करना। इधर तैयार होने को जा रही हूँ, पहला फैन चालू कर दो, बहुत गर्मी हो रही, इतनी गर्मी हो रही है क्या, ऐसा लग रहा है कि गर्मी का महीना चालू हो गया, ठंडी चालू होने वाली है। और ये बहुत बड़े बड़े बाल अभी मैं पूछ रही हूँ क्योंकि हंसी आती है। अभी मेरे बाल पोछे जा रहे हैं टॉवल से, और इसके साथ में आंखें देखो कितनी भरी भरी है क्योंकि नहीं रात भर सो ही नहीं हूँ। अभी बार से तो ये वाली गाड़ी रहेगी तो मैं 9 बजे रात की सो जाऊँगी, समय कब ही बोल रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत से प्रॉब्लम है, अगर नींद नहीं मिलेगी तो एसिडिटी का प्रॉब्लम, साइनस का प्रॉब्लम हो जाता है, फिर माइग्रेन है मुझे करके तो बहुत तकलीफ हो जाती है। तो अभी मैं बाल थोड़ा सुखा लूँ, नहीं तो फिर क्या होएगा ना, बाल मेरा सर दुखने लग जाएगा। अब फिर तो खुले खाले बाल रखने की आदत नहीं है, तो ये मेरा भी हो गया। बेटा ये जरा आइनिंग मशीन है, हेयर ड्रायर सब खराब है, अरे डाल दी इसको सर। लग रहा है फाइशान, आप लोग देख सकते हैं मैं मेकअप क्या करती ना, हमेशा आप लोग का रहता ना कि आप मेकअप करते हो हमेशा डालना, तो मेरा मेकअप आप देख लेना क्या मेकअप, ज़्यादा से ज़्यादा मेकअप या कम से कम। मेरा मेकअप बोले तो फाउंडेशन लगाना चालू है, अभी मैंने फाउंडेशन लगा ली। आप लोग हमेशा बोलते ना मेकअप करते हो कभी डालो, जब बोलते थे आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे टिकटॉक पे, तो आज मैं यूट्यूब पे अपना मेकअप बता दी। और मैंने याली आज नाक की नहीं पहनी हूँ क्योंकि मैंने फेशियल करने निकाली थी तो जब से डाली रही तो इसके अंदर कड़ी पत्ते की डंडी डाल के रखी हूँ। ये मेरा हो गया फाउंडेशन लगा के, लगा के सब डाल दी इसके अंदर, फिर ये खाना पड़ गया मुझे। और ये मेरा काजल, हमेशा आप बोलते कौन सा काजल लगाते, तो ये मेरा काजल है। ऐसा छोटा आईना लेके मेकअप नहीं करती क्योंकि मुझे जमता नहीं है, मुझे पहले से आदत है ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े रह के काजल वाजल लगाना, मुझे आईने वाइने में जमता नहीं है। मेरा लग गया काजल, ओके। Thank you.
लिपस्टिक भी लग गई, सिंपल नेचुरल लिपस्टिक फिर डाल दी। देखिए आप लोगों कैसी लग रही है, और अभी आप लोग ड्रेसिंग टेबल में ना बहुत सारा पसारा था, सब हम लोग ने निकाले, बापरे वो नहीं होता था, मैंने सब अनाप खोली निकाल दे, सब ठीक ही बहुत सारा था, कुछ के अंदर इतने पसारे पड़े ले। ये सऊदी से मैंने ये सऊदी से मैंने लेके आई थी, एक बार भी यूज़ नहीं करी, इतना महंगा पर्स था इंडिया का, मगर यूज़ इसमें सब मेरे पर्स थे। और अनाप ने पूरा ड्रेसिंग टेबल साफ़ करी उस दिन, तो ये पूरा ड्रेसिंग टेबल थोड़ा खाली हो चुका है। और ये मेरी मालूम ना क्रीम, इसके बिना तो मैं रहती नहीं हूँ, आप लोग देख सकते हैं मैं नाइट की क्रीम है मेरी, क्रीम की बाकी है ये रखना भूल के जाओ, आप लोग दिखाते दिखाते याद आ गई। और फिर ना इतना सारा पसारा जमा था कि पूछो मत, तो फिर आना अपने सब साफ करी, आना थोड़ा सही कर देना बेटा, लाइन्स की सब डब्बे भी सही करो, नीचे देखो मेरी पूरी आइनिंग मशीन, हेयर ड्रेसर मशीन, ये ब्रश है, ये सब मेकअप किट, और ये मेरा पूरा पार्लर का सामान है जो मैं घर में बच्चे लोगों को करती हूँ, समीर को मैनीकर पेटीकर करती हूँ, ये पूरा सामान है मैं, क्योंकि देखो स्टीम सब दिखेगी आपको, क्योंकि मैं आधे से ज़्यादा काम जानती हूँ पार्लर का, तो मुझे आइडिया बहुत ज़्यादा है। कलर्स आप देख सकते सब कलर से बहुत सारा पसारा, मगर मैं दिखा नहीं सकती क्योंकि जाने को लेट हो रहा है। ओके, तो मैं इंशाल्लाह आऊँगी तो आप लोगों को फुर्सत है, मेरे को बाल तो बनाती हूँ, आप मेरा इश्तेहानी बाल बनाती हूँ मैं, मेरा बाल देखो बस मैं ऐसे बांधती हूँ, मुझे बाल बनाना पसंद नहीं है ना, आइनिंग पाइनिंग जल्दी करती हूँ, मेरे बाल हमेशा मैं ऐसे बांधती हूँ, ऐसा कर दी इसमें। और ट्रेन में तो जाने का है, एक महीना कभी आना भाई, एक मॉल के टाइम में बहुत देखो घर में गंदगी है, क्योंकि सुविधा पर तो अपने टाइम पे आती है, खाली बेचारी मूवी जल्दी आ जाती है, ताले ला गई, कंडीशन आ गया इसकी बहुत ख़राब चल रही था, मुझे लाइटिंग थी मैं सोचती हूँ ये आना लगाऊँ, फिर मेरे बच्चा जी आप देख सकते हैं कैसे फिर से देखता आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसमें और एक कपड़े भी है, अरे वापस समझ आ रहे थे कपड़े सब मेरे आ रहे थे पड़े इधर, हम लोग पर्स वर्स सब सिमट रही हूँ, और समीर का फ़ोन आया है, हाँ अस्सलाम वालेकुम, नहीं नहीं गाड़ी में रख दो ना करके, आ रही मैं अभी आ रही हूँ, 5-10 मिनट में आ रही करके, हाँ ओके 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 अल्लाह, अभी समीर का फ़ोन आया था तो समीर नीचे खड़े हैं, और मैंने ये बात नहीं ना क्योंकि इतनी मेरी भगदड़ हो गई है कि मैं बता सकती ये बार ना मैं पर्स चेंज कर सकती ना कुछ हुआ है, तो क्या बताओ अभी आप लोग को, ये 2 मिनट बैठ जाती हूँ, जरा सामान सही से रखते हैं, आईडी वाई डी रख दिया, अल्लाह
आईडी का पहुंच चुका है मेरे को, ये बस जो है ना किसी चॉकलेट के जो मुझे आप लोग बताया मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये देखो जो मैं आप लोग को ये करती हूँ ना बल्कि बहुत अच्छा, तो देखो मैं ये बॉडी पे जेल यूज़ करती हूँ जो आप लोग को बताती हूँ। देखो मेरे ये पर्स भी आपको मिलेगा, मुझे ये सब चीज़ें बहुत लगती है देखे करके। और मेरे ये पर्स मैं निकाली और ये मेरा बॉडी ये छोटा सा, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशबू के पीछे तो मैं पागल रहती हूँ ना। देखो पर्स में इतना वजन पर्स है ना, ये उठाने नहीं होता, इतना सारा पसारा रहता है। अबूफास भी बहुत ज़रूरी है, सॉरी ये रोलर अमृता जी का ये भी बहुत ज़रूरी है ना, मुझे अबूफास लगता है जब मुझे सर में ये लगाए बिना नींद नहीं आती है। और मेरा मैं आप लोग से बात करते करते पहले मैं आईडी देख लूँ तो मालूम पड़ा कि मुझे पर्स चेंज करो ना, ये प्रॉब्लम बहुत होता है अपने आईडी के पाउच ये वो रखने का। ये मेरे पर्स में तो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो कभी एक बार में लगाई, अभी एक बार का है इसमें, तब मेरा खानदानी पर्स के अंदर रहता टाइगर बाम और ये मेरी टैबलेट ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये देख सकते आप बहुत ज़्यादा बाम बहुत सारे आई फूल सब मैं पर्स में रखती हूँ, मुझे सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और ये मास्क भी मैं हमेशा रखती हूँ कि किधर कहाँ जाए अर्जेंट तो मास्क लगाने की बात आए तो फिर अपने को टेंशन नहीं हुए कि एयरपोर्ट पर दो तीन बार हो चुका है ऐसा। ओके अभी मेरा ये पर्स खाली हो चुका है, अभी पर्स अना भी रख दी, ये मेरा छोटा पर्स उसका मैंने ले चुकी हूँ, इसके अंदर मेरे कुछ पैसे हैं और पैसे मुझे रखती हूँ चेंज करने का है। जो मुझे यूज़ करने का है 15-20 हज़ार इसके लिए रखा है, 15-20 लाख रुपये से। चलो मैं रेडी हो चुकी हूँ, मेरा दुपट्टा मैं ले लेती हूँ। ओ यार मेरी मिलन सुपारी नहीं ली, चलो 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 हॉल में चलो हॉल में चलो। वैसलिन भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुझे थोड़ा वैसलिन भी बहुत लगता है, मैं वैसलिन भी डाल दी अपना। और आजकल मैंने वो खाना छोड़ दिया है, आज 2-3 महीने से रजनीगंधा खाती थी ना मेरी भाई, तो मैं खाना छोड़ दी हूँ। तो मैं आजकल मिलन सुपारी का पैकेट पूरा मंगाती हूँ, या अगले मैंने मंगाई थी एक पैकेट, अब ये लास्ट बची है, ये 150 रुपये का एक पैकेट आता है, ला के रखती हूँ, मेरे को एक महीना पूरा चलता है। तो अभी मेरे पास इतना ही बचा है, अभी मेरे पास टाइम भी नहीं और लेने के लिए इसमें है एक दो, इससे मैं काम चला लूँगी। तो मिलन सुपारी लास्ट में भी, और ये मेरा नैपकिन क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो पसीना भी आ सकता है, तो मैं अभी ये नैपकिन इसके अंदर रख दी मेरा। हाँ एक मोबाइल आना आपके हाथ में वीडियो बना रही, तो मेरी सब वगैरह मेरा कुछ भूल तो नहीं ना, चश्मा लेने का था मगर अभी चश्मे का बॉक्स कहाँ रखे क्या मानी, वाला देखा मेरा पिंक वाला चश्मा, वो नंबर वाले दो बनाए नहीं मैंने तो वो तक सामने ही है उस पर, तो पिंक वाला जब स्टैंड के अंदर ना उसका वो है क्या बोलते बॉक्स है उसमें डाल के दे जल्दी दे। और ना बेटा टीवी ना बहुत ठंडी होएगी, अभी डेडी जाएगा तो टीवी बंद कर देना, और ठंडी होने के बाद ही ना मतलब धूप पहुँच के गर्म में पहुँचे तो स्क्रीन के ऊपर स्क्रीन ख़राब हो जाएगी, तो अच्छा ठंडा होने देना आधा घंटा भी चालू करनी है। एक डाक कैसा लग रहा है टीवी के ऊपर दिख रहा है, हमें आने के बाद दिखना नहीं चाहिए मेरे को डाक वाक कुछ भी, और तू पहुँचना और किसी को टीवी पहुँचने देना मत। और बाबू जा रही है मैं, मम्मा के लिए दुआ करना। हाँ बच्चा, वो मेरा बच्चा, ये मेरा दुपट्टा वाइट फेवरेट दुपट्टा है ना, वो मेरा दुपट्टा भी आ चुका है और दुआ में आप सब लोग मुझे दुआ करना, अच्छे से जाओ अच्छे से आ जाओ, मुझे मेरा चश्मा भी ला के दे दी, मुझे टीवी अच्छी ठंडी होने के बाद में पूछने देना क्या करके। और इसको दे देगी ना अनाप के हाथ में, है ना 7-8-9-10 3 दिन ना। और बना वो 500 रुपया काटे नहीं क्योंकि आने तक के पर्दे निकाल के धो देना करके, 500 रुपया पर्दे देने का बोला दे दीजिए क्या, याद से बोल देना करके, और पर्दे खुद निकाल के पलंग में से दे देना, कौन से पैसे लगाने का गोल जाने का कौन से। चलो फिर मैं लिख लूँ नूरी, और चलो अभी मेरा जाने का टाइम हो रहा है, मैं इंस्टाग्राम पे भी मेरा वीडियो बना दूँ
कि मैं हमेशा जाती हूँ तो उस पर वीडियो बनाती हूँ, तो इंस्टाग्राम मेरा अधूरा नहीं रह जाए नाना। इजाज़त लेती हूँ, जजा खाला के ऐसा भी बोल रहा क्या खाली खाना बोलती थी ना। चलो जा रही दुआ में सब लोग याद रखो और बस अच्छे से आप लोग ये करो कि मैं अच्छे से पहुँच जाऊँ और मेरे लिए भी आप लोग दुआ करना, मैं भी दुआ करूँगी। अभी हमारी घर से रुखसती है और देखो हम पैसा गिरा रही गिरा में बैठे नाना का फोन। गाड़ी में बैठ रही हूँ अभी और अनूठी आया है उस बस में आना पड़ा, समीप बैठे गाड़ी के अंदर। चलो तो अभी मैं गाड़ी में बैठ चुके हम लोग है ना समीर, तो अभी हम लोग जा रहे स्टेशन, स्टेशन पहुंचेंगे तो फोन करेंगे। बाप रे इतना गर्म हो रहा है कि बाप रे बाप, देखो पूरे पसीने, हाँ पूरे पसीने में तर हो गए। हाँ मैं ले रही ना अभी नंबर आपस को फ़ोन करके, तो अभी मैं जा रही हूँ स्टेशन, जाती हूँ तो मैं आपको फिर मिलती हूँ वापस से, अपडेट अपनी देती रहूँगी, आप लोग देखते रहना इंशाल्लाह ताला। चलो फिर हाँ दुआ में याद रखो, मैं स्टेशन जाके फिर डालती हूँ। ओके गाड़ी हिलती है तो हम लोग फाइनली इधर स्टेशन पहुँच चुके हैं और समीर आगे आगे चल, समीर रुको ना यार, समीर आगे आगे चल रहे हैं और ये देख सकते हैं हम लोग अभी आगे और आपा आगे खड़े हैं हमारा इंतज़ार करते। तो अभी मैं बताती हूँ आपा लोग क्या अभी पहुँच के, और भाई देखो टूटा फूटा जो भी मेरा यूट्यूब बस तुमको पसंद करना है ये लोग अभी इधर। वालेकुम अस्सलाम, मेरे को भेज इधर। फाइनली हम लोग का मैं एयरपोर्ट आ रहा हूँ, मैंने स्टेशन पहुँच चुके हैं और देखो अजहर भी है इधर, मेरे को अर्शी करके, तो फिर हम लोग फाइनली जा रहे हैं अभी। अभी हमारा पूरी सामान रख रहा है जी। अंकल ओ अंकल जरा आ जाओ, जरा चेहरा दिखा दो आपका भी, जब अंकल भी है इधर। तो हम लोग फाइनली जा रहे हैं जी 8 में है क्या? जी 8 में है हमारा जी नंबर। चलो समीर और अजहर कैसा है? कहाँ से आओ? मुबारक हो। हाँ हाँ भाई तुम लोग को भी मुबारक मुबारक ही हो। बाबा आपा ये हाथ दुखता है ये बनाने में बहुत। अब बच्चे हाँ वो लेंगे ना। हाँ ये देखो अभी अजहर भी है ना साथ में। हाँ देखो ना दो दो बग्गी तो अभी हम लोग अभी मैं हाँ अभी ट्रेन में बैठते हैं तो बाकी हम वीडियो डालते हैं। फाइनली हम लोग ने अभी खाना खोले हैं और माशाल्लाह हमारा खाना आप लोग देख सकते हैं क्या क्या है। लेमन राइस, गोश्त का अचार, ग्रीन मटर और ये क्या है, ये बोटी है चिकन, चिकन बोटी और साथ में दही और ये चटनी सेम की चटनी है कल्याण वाले भाई लोग ने दिए और ये रोटी और ये हमारी। अभी आप लोग भी आइए खाने के लिए और खाने में देखो कौन कौन है, शेजादी आपा आई है, हमारी अर्शी है, आपा है साथ में और अजहर बना रहे हैं पुलाव। तो अभी अजहर का भी हम लोग लेंगे और अभी हम लोग खाना निकालते चलो देख लो खाना निकाल देखे नहीं रहने ना दो मिनट तक दो मिनट तक निकालते खाएंगे को खाली चटनी और ये लेमन राइस तो हम लोग का फेवरेट है ना अर्शी, अर्शी को बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए लेमन राइस बना के लाई ले और गोश्त का अचार भी बहुत पसंद है अर्शी की फरमाइश थी ना अर्शी, तो अर्शी की फरमाइश पे बनाए गोश्त और हमारा लेमन राइस और ये ग्रीन मटन देख सकते हो। देखो खाना चालू है तो हम लोग फाइनली
स्टेशन पहुंच चुके हैं और ये हमारी ट्रेन खड़ी है। गरीबदार, गरीबों की गरीबदार है ना। तो और ये देखो आप अभी मत चले, आप थोड़ा आगे आगे आते जाओ यार, इतना नॉलेज नहीं है तुम्हारी गरीब की। तो देखते रहे आगे रह गया कैंटीन। तो अभी हम लोग जा रहे हैं और अर्शी पीछे है और अदर सामान लेके आगे चला गया और हम लोग चलते चलते। गर्मी तो आप लोग बता रही ना कितनी है, बहुत ताबानी हो रही है गर्मी से। क्या बैग दे दो किसको दे? हाँ आधा देना बैग लटका लेगी देने तो बैग के तो पकड़ाते बस। अरे अर्शी फिर से कड़ा फंस गया था। अरे गाड़ी ने फिर वही हरकत हुई और तेरा अंकल निकाले ये है। चलो फाइनली हमारा डब्बा आ चुका है, अभी हम लोग ट्रेन में क्या खाली पानी लेकर रुक रहा। अजहर को बोलेगे ना आपा, यही है ना, यही है ना। तो मैं गाड़ियों में से चप्पल अप्पल मेरी बहुत गिर जाती है कभी भी, इसलिए मैं बहुत संभाल के चलती हूँ क्योंकि एक बार मेरा पैर फ्रैक्चर हो चुका था। तो गाड़ी ट्रेन में आ चुके हम लोग फाइनली और हमारी सीट इधर है। कहाँ है बाबू? 21। अच्छा पापा लोग अभी आ रहे हैं नीचे से, मैं आके बैठ गई हूँ इधर। बाबा थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, अभी मैं ब्लॉग थोड़ा एंड करती हूँ। ओके तो अभी हम लोग शाम का सोते होते कितना बज रहा है? 8 बज गया ना, 8 बज रहा है और थोड़ा अंधेरा आएगा क्योंकि लाइट कम है गाड़ी के अंदर। तो माशाल्लाह अभी सोते होते अभी हम लोग चाय पी रहे और ये बिस्किट खा रहे, नाश्ता कर रहे और माशाल्लाह बहुत सारे लोग, आप लोग बड़ौदा से चढ़े? बड़ौदा से भाई लोग चढ़े और उतने सारे भाई लोग चढ़े लेके पूछो मत, ऐसा कैमरा के सबका आना चाहिए। अरे आपका कैमरे पे हाथ चला गया, अच्छा कैमरे पे हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ भी नहीं आया अभी नहीं है ना कैमरे पे, ये उंगली है। तो माशाल्लाह से सब हमारे भाई लोग मिले और इतना अच्छा लग रहा है और हम लोग बैठे अभी नाश्ता करने में। तो जरा सोके उठी हूँ, थोड़ा बातें अभी कम ही करूँगी, अभी आपा बात करेंगे। आपा बोलो ना। अस्सलामुअलैकुम। तो हम लोग ने तो बहुत इंजॉय करे, सब मिल गए थे हम लोग ने तो बहुत इंजॉय करे, बहुत मिस कर दिया। हाँ भाई बहन तो सोईली थी, हम लोग ने बहुत माशाल्लाह बहुत इंजॉय करे, बच्चे लोग ने बहुत सारा खाना वाना सब मतलब नाश्ता वगैरह सब लेकर आए थे। और वो कितना अच्छा था अहमदाबाद का फेमस आता था लड़का और मोती महल की चाय और बन मस्का लेके आता हूँ गाड़ी में, ढूंढते आएगा। मैं अभी उभार गए अच्छी बात है हमारे नसीब में और मैं खा रही हूँ मस्का चस्का बिस्किट, पहले मैंने हनी बेल केक खाई। कितने सेकंड का हुआ? अभी दो सेकंड होएगा, हाँ 2 मिनट सॉरी। मरियम शेख इस पे इंस्टाग्राम पे और इस पे यूट्यूब पे क्या है मरियम बताती है। तो हमारा खाना वाना सब हो चुका है, अभी सोने की तैयारी। ट्रेन में क्या रात का खाना खाने मज़ा नहीं आती, दोपहर का जो खा लिए और रात का मज़ा नहीं आती। अभी हम ओला नाना कपड़े पी, अच्छा कौन कपड़ा पहना रहा है? मम्मा ए परी हमारी उन का भी फोन आया, अभी हूर का फोन आया है, हूर फोन पे नानी से बात करेगी। चलिए टी शर्ट भी ना उनको जरा बताती। हाँ मेरे को मेरी हूर ने भी नानी को देख रही है, कपड़ा पहन रही है। देख नानी देख बड़ी नानी देख हूर। और अभी हम लोग खाना वाना सब लोग खा लिए, अभी मैं बैग करती हूँ।
अच्छा से फोटो निकलती है बैग में। ये देखो हमारे साथ के सब बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपा देखो खाना वाना सब हो गया, अर्शी को नींद आ रही है, सोएंगे थोड़ा। 11 बज गए ना, 11 बजे ना करके 10:30 हम सुबह अभी बाकी ब्लॉग डालेंगे जब हम स्टेशन पे उतर जाएंगे, है ना। आपा स्टेशन पे उतरेंगे, आपको आगे की अपडेट देते रहेंगे हम लोग। देखो माशाल्लाह अपडेट दे रहे हैं आप लोगों को। भाई लोग सब अपने साथ चले, ये गोधरा बड़ौदा के लोग आए सब बेचारे, बहुत अच्छे लोग ने हमको इतना अच्छा खाना वाना दिए, मांस रोटी मांडे और क्या था भाई सालन का नाम, मलाई टिक्का, मलाई टिक्का, मलाई टिक्का लाए थे लोग। बोला मलाई टिक्का। चलो अभी मैं अच्छा एक दो मिनट दो सेकेंड हो जाएंगे तो अभी मैं फिर सुबह में डालूंगी वीडियो, सॉरी थोड़ा ब्लॉग कंप्लीट कर देंगे, फिर जब हम दरगाह पहुंच जाएंगे तो आप लोग को बताते। ओके अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अजमेर शरीफ में, ख्वाजा जी की बस्ती में आ चुके हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, आपा भी इधर खड़े हैं, अजय भी इधर खड़ा है और अर्शी भी इधर है हमारे साथ में। और आप देख सकते हैं स्टेशन, देख सकते हैं आप लोग और सब लोग खड़े हैं। और ये मेरे साथ, अरे बाप रे रजनी भी मिल गए। रखो क्यों रे तू गाड़ी में क्यों नहीं आई, सुहारा गाड़ी में क्यों नहीं आई, तू झगड़ा कर रही थी बोलते है। हाँ ओ हाँ अभी आए, अरे ब्लॉक में तू आ गई हमारे साथ में। हाँ सब लोग इधर स्टेशन देखो पूरा फुल हो गया है, सब हाई बाई कर रहे हैं। और अभी हम लोग गाड़ी में किसमें जाएंगे तो अभी आप लोग देखना। तो फाइनली अभी हम लोग अभी रिक्शे में बैठेंगे, मैं ब्लॉग एंड करती हूँ। तो फिर अभी हम लोग उधर कल से नया ब्लॉग स्टार्ट होएगा हमारा मॉर्निंग का, तो आप लोग देखना। अभी रात अभी कितना बज रहा है पा, 3:30 बजे हम लोग स्टेशन पर पहुँचने हैं। और इधर देखो सब लोग खड़े हैं, सब लोग हाथ ये देखो सब रिक्शे में खड़े हैं सारे। और क्या बहुत परेशान करते रिक्शे वाले सुबह सुबह इधर। चलो फिर दुआ में सब याद रखो और अल्लाह हाफिज़। अगले ब्लॉग में फिर मिलते हैं। और आप लोग लाइक करो, फॉलो करो और बेल बटन दबाओ, और बटन बेल दबाना भूलना मत और घंटा मत दबाना, बेल बजाना। ओके अब मैंने जो भी बनाई ब्लॉग फूटा फूटा ओ ये हो गया ना बेटा, दो मिनट का हाँ बाकी है, थोड़ा बाकी है ना। हाँ नहीं नहीं आई नहीं, बस खलास खलास खलास। अल्लाह हाफिज़।